जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दिल्ली काटरा एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन का निर्माण चल रहा है। तो आज हम इस एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2022 में फाइनल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट में सुमार नेशनल हाईवे 44 के दिल्ली से पानीपत तक चौड़ीकरण का काम 2 साल बाद दोबारा इसका जो निर्माण है वो फाइनल कर दिया जाएगा। और आपकी जो कंपनी है NHAI के अधिकारियों ने शिलान्यास करने के बाद एसएल ग्रुप को मैसर्स मुकरबा चौक पानीपत टोल रोड लिमिटेड कंपनी को निर्माण का जिम्मा दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की, तो ये बाहरी दिल्ली स्थित मुकबरा चौक से लेकर पानीपत तक राष्ट्रीय राजमार्ग के 1 के चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोजेक्ट में 70 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 8 लेन में तब्दील किया जाएगा। इसमें कई फ्लाईओवर, फुटओवर, ब्रिज भी आदि बनाए जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि प्रोजेक्ट जून के माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा और 15 माह तक कार्य पूर्ण करने का भी लक्ष्य है। और राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य बीते 2 वर्ष से शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश COVID-19 के कारण चलते हुए इसका निर्माण रोक दिया गया। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे को राजमार्ग के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए की अधिक लागत लगी जाएगी। इस प्रोजेक्ट में मकबरा चौक से लेकर पानीपत तक कई छोटे और बड़े पुल का निर्माण होना प्रारंभ किया जाएगा। इसमें 20 से अधिक छोटे बड़े पुल, फ्लाईओवर वाहनों के लिए अंडरपास समेत कई फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। मुकरबा चौक से लेकर सिंधु बॉर्डर तक 3 फुट ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इसमें शनि मंदिर के पास नरेला उद्योग क्षेत्र को जाने वाला मार्ग पर दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर यानी सिंधु बॉर्डर पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस राज्य मार्ग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों को जाने वाले वाहनों का आवागमन होता रहेगा और ऐसे में राजमार्ग को 8 लेन बनाने में इस मार्ग वाहनों का दबाव काफ़ी हद तक सही है। तो दोस्तों, इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है, चौड़ीकरण हो रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण खत्म होकर इस एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो देखने